जहां सड़क दुर्घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, वहीं लोग हादसे का शिकार होते जा रहे हैं। आज सोमवार सुबह हिमाचल में भी एक स्कूल बस खाई में पलट गई। इस कारण आधा दर्जन से अधिक छात्र घायल हो गए, जबकि दो बच्चों की मौत हो गई। वहीं सोमवार की सुबह ही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहाँ के केशन इलाके में यात्रियों से भरी एक मिनी बस अनियंत्रित होकर सोमवार को गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 35 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। हादसा सुबह करीब 8:40 पर हुआ। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किश्तवाड़ में हुए हादसे पर दुख जताया। हादसे में घायल यात्रियों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य में स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की मदद की और कई यात्रियों को हादसे का शिकार हुई मिनी बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। हालांकि अभी दुर्घटना में मारे गए लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। रिपोर्टों में कहा गया है कि मिनी बस केशन से किश्तवाड़ की ओर जा रही थी, तभी यह बस श्रीगिरी के पास सड़क से फिसल गई और एक गहरी खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस ओवरलोड थी। अधिकारी के अनुसार मिनी बस के खाई में गिरने की दुर्घटना सोमवार सुबह करीब 8:40 पर हुई। यह मिनी बस केशन से किश्तवाड़ की ओर जा रही थी, तभी यह अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। राहत बचाव ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता यात्रियों का बचाव सुनिश्चित करना है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किश्तवाड़ में हुए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि हादसे में मरने वाले लोगों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं और जो घायल हैं उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं।